Good evening, student. This is the third part of the chapter. What is the name of the chapter? Leading the Way. This is the leading the way. This is the third chapter. And before I um, had taught you uh, about a doctor, an activist, and now in this time I am talking about an aviator. Okay, aviator. i an mean, aviator matlabada uh, uh, jo aeroplane ठीक है विमान चालक जिसे कहते हैं हिंदी में तो एविएटर एम एल एमेलिया एलहार्ट वाज बोर्न इन एमेलिया एलहार्ट वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1897 व्हेन ही वाज व्हेन सी वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1897 आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल शी वर्कड एज अ नर्स इन कनाडा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है तो हाई स्कूल जैसे ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल से ग्रेजुएटिंग हुई आ, वैसे उन्होंने नर्स की एक सर्विस पकड़ ली और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कनाडा में नर्सिंग का काम कर दी थी आफ्टर द वॉर इन डिड सी वर्क एज अ सोशल वर्कर इन बोस्टन टीचिंग इंग्लिश टू इमिग्रेंट चिल्ड्रन मतलब इमिग्रेंट मतलब होते जो आए हुए बच्चे थे जो शरणार्थी बच्चे थे इनके यहाँ आफ्टर दल्ड आफ्टर द वॉर इन जब वॉर ख़त्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ कनाडा में तो उन्होंने सोशल वर्कर की तरह काम किया बोस्टन में और वो इमिग्रेंट चिल्ड्रन को इंग्लिस पढ़ाने लगे एरोप्लेन इंस्टेंट शोज वर क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द नाइनटीन टवेंटीज अमेलिया टू इंजॉय सच ए रियल डिस्प्लेज वन डे आफ्टर टेकिंग टेन मिनट्स प्लान राइड सी डिस दैट सी है फ्लाई दो हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एबल टू रेज इनफ मनी टू पे फॉर हर फ्लाइंग एरोप्लेन इस्टर्न शोज वॉज क्वाइट वेरी पॉपुलर क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग दाइनटी ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ईज में जो एरोप्लेन था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था लोग सपने देखते थे एरोप्लेन में जाने का और उनको चलाने का तो अमेलिया ने भी यही सारी चीजें uh, सोची uh, और उनको एक्शन में लाने के लिए उन्होंने एफर्ट किया एक दिन क्या हुआ आफ्टर टेकिंग अ टेन मिनट्स प्लान राइड उन्होंने दस मिनट तक प्लेन की राइडिंग की सी डिस उन्होंने निश्चय किया दैट सी हैड टू लर्न टू फ्लाई कि वो अब जो है कैसे कैसे फ्लाई करें फ्लाइट को उसे वो सीखेंगी दो हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क उनका जो डिटर्मिनेशन और उनका हार्ड वर्क इतना ज़्यादा था कि सी वॉज एबल टू रेज इनफ मनी टू पे फॉर हर फ्लाइंग Lessons, कि उन्होंने इतनी सारी मनी कलेक्ट कर ली कि वो अब जो है लेशंस मतलब फ्लाइंग लेशंस को सीखने के योग्य हुई इन नाइनटीन टी एट इन्वाइटेड टू ज्वाइन द पायलट्स विमर स्टर्च एंड लुइस गोल्डन ठीक है उनके थ्रू उनको इनवाइट किया गया ए, एक जो पायलट थे उन्होंने उनको इनवाइट किया क्या नाम था पायलट का विमर स्टर्च एंड लुइस गोल्डन उन्होंने इनवाइट किया फ्लू फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड जबकि वो अमेरिका और इंग्लैंड में फ्लाई कर रहे थे अमेरिका टू इंग्लैंड फ्लाई कर रहे थे दिस हर दर्स्ट वुमेन टू फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक ओशंस और इस प्रकार वो जो है अटलांटिक ओशन को पार करने वाली पहली महिला बनी इन नाइनटीन थर्टी टू सी एडिड टू दिस डिस्टिंगशन बाई बीमिंग द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक 1932 में वो एडेड हुई डिस्टिंग द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो मतलब अकेले अकेले उन्होंने पूरी अटलांटिक ओशंस को पार किया वो पहली महिला बनी 1932 में सी वेंट एंड टू द मेक्स सोलो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स मेकिंग हर फ्लाइट स्टैंडिंग फीमेल पायलट ऑफ अ टाइम और अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अकेले इतनी लंबी दूरी तय की फ्लाइट से और उन्होंने अपना नाम इतिहास में किया कि वो पहली महिला थी जिन्होंने अटलांटिक ओशंस को पार किया क्रॉस किया अर हर्ट सो डीप इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्शियल एविएशन एंड वॉज क्वाइट एक्टिव इन ओपनिंग फील्ड टू वमेन और जो एयरहार्ट थे सोड उन्होंने डीप इंटरेस्ट तो किया कि इसमें डेवलपमेंट में, में किसकी कमर्शियल एविएशन में एविएशन मतलब ड्राइविंग द प्लेन ठीक है उन कॉमर्शियली जो है एविएशन में उन्होंने अपना डेवलपमेंट का इंटरेस्ट डीप इंटरेस्ट शो ऑफ किया एंड वाज क्वाइट एक्टिव इन ओपनिंग ऑफ द फील्ड टू वुमेन और उन्होंने स्टार्ट किया एक ऐसी फील्ड जिसमें वुमेन भी सीख सकती हैं एरोप्लेन को चलाने के लिए सी लिव्ड इन टाइम वेन वुमेन हैड वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू मेक देयर मार्क इन दैट है और वो उस समय जन्म जन्मी थी उस समय वो रहती थी जब वुमेन्स का इक्वलिटी का पूरा अधिकार नहीं था कि वो मेंस के बराबर स्टैंड हो सके और उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इस इन टाइप के प्रोफेशन के लिए कि एक वुमेन जो है प्लेन चलाए क्योंकि उस समय जो मैन थे उनका डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो मतलब हर अच्छे अच्छे प्रोफेशन जो भी अच्छे प्रोफेशन थे उसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने की वजह से मेल का अधिकार था जबकि वुमेन्स का कोई अधिकार नहीं था और ये पहली महिला थी उस समय की जब इन्होंने मेल के बराबर स्टैंड होके फ़ाइट करके उन्होंने प्लेन को उड़ाया सी uh, spent मच ऑफ her career एडवोकेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर women इन एविएशंस as वेल well as इन अदर फील्ड्स उन्होंने अपने पूरा लाइफ टाइम का जो कैरियर है सबसे ज़्यादा एडवोकेटिंग करते हुए कौन सी एडवोकेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन मतलब औरतों को भी वुमेन्स को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए इसका एडवोकेटिंग करते हुए उन्होंने अपना पूरा लाइफ पूरा करियर व्यतीत uh, किया और नॉट ओनली दिस फील्ड बट एज वेल एज अदर फील्ड आल्सो इट वाज़ हर ड्रीम दैट इंडिविजुअल्स वुड बी वैल्यूड वन डे फॉर दियर एबिलिटीज़ उनकी ये ड्रीम थी कि एक दिन इंडिविजुअली लोग उनको उनकी वैल्यूज उनकी एबिलिटीज के लिए जानेंगे आ, रिगार्ड लेस ऑफ दियर जेंडर और वो ये भी जानेंगे कि जेंडर का इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो ठीक है बेटा तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज डिस्क्राइब्ड बाय मी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो